नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ओटीटी क्रेजीज। मेरा नाम सूर्य है और आज मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से भुज द प्राइड ऑफ इंडिया फिल्म के थिएटरिकल प्रेडिक्शंस के बारे में। अगर ये फिल्म थिएटर में आती तो कितनी कमाई करती, पांचवें दिन के मैं इस पे रिपोर्ट देने वाला हूँ। तीन अलग अलग तरीके से आपको इस रिपोर्ट को बताऊंगा। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करिएगा, साथ ही बेल बटन आइकन दबाना ना भूलिएगा। मैं 7 दिन तक प्रेडिक्शन दूंगा, ये पांचवा दिन है प्रेडिक्शन का। और आपको बताऊंगा कि भुज द प्राइड ऑफ इंडिया फिल्म कहां तक थिएटर में जाती है और इसका लाइफ टाइम कहां तक होता। फिलहाल 7 दिन के अपडेट्स के हिसाब से पांचवें दिन का ये अपडेट है। ये फिल्म कैसे कमाई करती, तीन सिनेरियो रख रहा हूं। एक सबसे वर्स्ट सिनेरियो जब महाराष्ट्र में थिएटर अभी फिलहाल ओपन नहीं है, इस सिनेरियो में कितना कमाती। दूसरा सिनेरियो जब महाराष्ट्र में थिएटर्स खुले होते तो कितना कमाती अगर ये 13 तारीख को आती। और तीसरा सिनेरियो जो नॉर्मल सिनेरियो जब नॉर्मली कोई इश्यूज नहीं होता, थिएटर्स में कुछ नहीं होता, तब फिल्म आती है तो क्या कमाई करती। सबसे वर्स्ट सिनेरियो में ये फिल्म पहले दिन 5 करोड़ कमाती, जो इस फिल्म ये फिल्म फ्राइडे को रिलीज हुई जिसे आपको पता है। दूसरे दिन ये फिल्म 6 करोड़ कमाती, तीसरे दिन ये फिल्म 7 करोड़ कमाती यानी कि संडे होता, चौथे दिन ये फिल्म 3 करोड़ कमाती और पांचवें दिन ये फिल्म लगभग 2.5 करोड़ कमाती और इसका कलेक्शन होता 23.5 करोड़ के आसपास, ठीक है, यानी कि 23 करोड़। अब अगर महाराष्ट्र में थिएटर्स ओपन होते तभी फिल्म 13 तारीख को आती और नॉर्मल रिलीज मिलती इसको, तो ये 9 करोड़ कमाती फर्स्ट डे, सेकेंड डे 8 करोड़, थर्ड डे 9 करोड़, फोर्थ डे 4 करोड़ मंडे को और ट्यूजडे को 3 करोड़ के आसपास 33 करोड़। और ये कलेक्शन इसलिए ड्रॉप होते क्योंकि इसका वर्ड ऑफ माउथ बहुत पॉजिटिव नहीं आया है और यानी क्रिटिकली जो रिव्यूज है बहुत ही नेगेटिव आए हैं और नेगेटिव रिव्यूज और नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते इसके कलेक्शंस में गिरावट आती, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। अब बात करते हैं नॉर्मल सिनेरियो पे, अगर ये फिल्म आती तो क्या होता। पहले बता दूं, सबसे वर्स्ट सिनेरियो में इसने 23.5 करोड़ की कमाई की और अगर महाराष्ट्र में थिएटर्स ओपन होते तो ये 33 करोड़ तक की कमाई करने में कामयाब होती 5 दिनों में। और इसके अलावा बात करता हूं नॉर्मल सिनेरियो की, पहले दिन 15 करोड़, दूसरे दिन लगभग 16 करोड़, तीसरे दिन 15 करोड़ यानी कि संडे को और चौथे दिन मंडे को 6 करोड़ के आसपास कलेक्शंस होता, कलेक्शंस काफी ड्रॉप मिलता और पांचवें दिन 5 करोड़, तो टोटल इसका कलेक्शन जो होता 5 दिन के बाद 57 करोड़। तो तीनों टोटल कितने होते, पहला सबसे वर्स्ट सिनेरियो के हिसाब से 23.5 करोड़ टोटल, दूसरा 33 करोड़ टोटल अगर मास्टर में थिएटर्स ओपन होते तो, तीसरा नॉर्मल सिनेरियो पे ये फिल्म आती तो 57 करोड़ की कमाई कर लेती 5 दिनों में, यानी 50 करोड़ ही पार कर ही लेती। तो कुल मिला के आप कितने खुश हैं इस कलेक्शन प्रेडिक्शन को जानकर जो बहुत ही डिफरेंट और यूनिक है। और उम्मीद करते हैं कि ये फिल्म जो है ओटीटी पर ज्यादा से ज्यादा व्यूज बटोरे। इसके व्यूज काउंट ओटीटी के नहीं आए, अदरवाइज वो भी मैं आपको बताता, लेकिन इसको फर्स्ट डे जो व्यूज मिले थे 3.6 मिलियन व्यूज मिले थे, 36 लाख लोगों ने इस फिल्म को देखा था। और अभी ये फिल्म के बारे में एक सबसे बड़ी अपडेट ये है कि 21 तारीख को ये फिल्म का जो प्रमोशन है वो होगा द कपिल शर्मा शो पर। इससे जुड़ी हुई भी जो जानकारी होगी मैं आपको बताऊंगा। वहीं आपकी क्या राय इस फिल्म को लेकर, भुज द प्राइड ऑफ इंडिया फिल्म क्या आपने देख ली है, आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।